Hello everyone, today I welcome you all in this English lecture, and today we are going to discuss about a poem, The Pulley by George Herbert. So let's begin. So as usual, we'll start with a small description. George Herbert, 1593 to 1663 was a Welsh poet. तो जॉर्ज हिल्बर्ट एक वेल्श पोएट थे, मतलब कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे, इंग्लैंड को. ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन, वे एक प्रीस्ट थे. ही रोट रिलीजियस पोएम्स विद अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कॉन्सीट्स. द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स. तो ये पोएट में एक बहुत ही स्ट्रेंज रिलेशनशिप बताया गॉड का और वर्शिपर्स का. वर्शिपर्स कौन होते हैं, जो वर्शिप करते हैं. दो ही हैज शॉवर्ड बेस्ट आउट हिज वर्शिपर with all his blessings, somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all endeavor. तो यहाँ पे क्या बताया कि गॉड ने अपने वर्शिपर्स पे बहुत सारे ब्लेसिंग्स बेस्ट आउट किए. मतलब ब्लेसिंग्स हम लोग शॉवर करते हैं ना, मतलब डालते, वो गॉड ने अपने वर्शिपर्स के थ्रू डाला है. एंड उन्होंने क्या कहा है कि वे एक पुली से वो ड्रॉन आउट करते. पुली क्या होता है, पुली एक ऐसे डिवाइस होता है जिससे हम लोग कुछ तो खींचते. पुल मतलब क्या, खुद की ओर खींचना, तो पुली मतलब खींचते हैं वो. और वो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं उनके एफर्ट्स के लिए. एंडिवर मतलब एफर्ट्स, प्रयास करते हैं हम लोग, उसे एंडिवर कहते हैं. गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न. तो यहाँ पे क्या कहा है कि गॉड हमें बहुत सारे प्रेशियस गिफ्ट्स देते हैं और इन रिटर्न वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, राइट. आपके लाइफ में अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी तो आप रिटर्न में कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब आप उम्मीद रखते हैं ना उस चीज़ की. तो वैसे ही गॉड का होता है. व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो, किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं हमसे. व्हाई डज ही विथहोल्ड, और वो रुकते क्यों है. विथहोल्ड मतलब रुकना. द पुली शोज हाउ गॉड लिव्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस. तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो पोएम है द पुली, तो इसमें हमें यही बताया गया है कि गॉड कैसे ह्यूमन बींग को खुद की ओर खींचता है, राइट. एंड विथ वॉट, विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी से कैसे खुद की ओर खींचते है वही बताया गया है. वॉट इज डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोएम इज दैट अ रिलीजियस नोशन इज कन्वेड थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज. तो यहाँ पे ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, मतलब धार्मिक पोएम है, स्पिरिचुअल पोएम है. और ये पोएम को जो कवि है जॉर्ज हिल्बर्ट, उन्होंने एक सेक्युलर साइंटिफिक इमेज जैसे पेश किया है हम लोग के सामने. सो लेट्स बिगिन नाउ, देखते हैं क्या है पोएम में. व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन. हियर द पोएट सेज that at the time when God first created man, he had glass of blessing standing by. तो यहाँ पे poet ने हमें क्या बताया कि जब भी God ने man को create किया था, मतलब human being को बनाया था, तब उनके पास क्या था, बाजू में एक glass था और वो glass में blessings थे. blessings मतलब आशीर्वाद थे. He thought that he would be generous and shower on man all the gifts possible. तो गॉड को क्या लगा कि वे बहुत ही जेनरस हो गए. जेनरस मतलब किसी को बहुत ज़्यादा देना, और वो जेनरोसिटी में मैन को वो जो भी गिफ्ट्स है वो सभी गिफ्ट्स उसे दे देंगे. गॉड इंटेंडेड दैट ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ विच ले स्कैटर्ड शुड बी कलेक्टेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्मॉल स्पेस ही हैड क्रिएटेड विच वॉज मैन. तो गॉड का क्या इंटेंशन था, जो भी ट्रेजर्स मतलब जो भी खजाने हैं अर्थ पे और जो भी वो बिखरे हुए खजाने हैं उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे, और गॉड के पास एक छोटा सा स्पेस है वहाँ पे वो इकट्ठा करेंगे. और वो स्पेस क्या था, मैन था. मतलब इन शॉर्ट गॉड ने क्या बताया कि जो भी इस वर्ल्ड के खजाने हैं वो मैन को देना चाहते हैं. ओके, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all his treasures, rest in the bottom lay. The first gift that God gave man was strength.
दिस वॉज फॉलोड बाय ब्यूटी देन विजडम ऑनर एंड प्लेजर. तो सबसे पहला गिफ्ट क्या था जो गॉड ने मैन को दिया था? इट वॉज स्ट्रेंथ. देन उसके बाद ब्यूटी मतलब खूबसूरती दी. देन उसके बाद विजडम दिया मतलब इंटेलिजेंस दिया. देन उसके बाद ऑनर दिया रिस्पेक्ट दिया. देन उसके बाद फाइनली क्या दिया? प्लेजर मतलब हैप्पीनेस दिया. वेयर नियरली ऑल द गिफ्ट्स हैड बीन बेस्टाउड ऑन मैन गॉड स्टॉप द वाइल. तो जब फाइनली गॉड को लगा कि मैंने सारे गिफ्ट्स दे दिए ह्यूमन बींग को या मैन को, तो वे थोड़ी देर के लिए रुक गए. ही नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ द ट्रेजर्स ओनली वन गिफ्ट रिमेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड दैट वॉज रेस्ट. तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैंने सभी खजाना तो दे दिया है और फाइनली ग्लास में क्या रह चुका है? रेस्ट. फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्ट आउट दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर ही वुड अडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर सो बोथ शुड लूजर्स बी. गॉड सेड टू हिमसेल्फ दैट इफ ही बेस्ट आउट दिस प्रेशियस एंड वैल्युएबल गिफ्ट टू हिज क्रिएशन मैन वुड लव एंड वर्शिप ओनली द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वुड नॉट लव द गॉड हु हैड क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन नेचर. तो यहाँ पे गॉड क्या मानते हैं अभी, वो खुद से क्या कहते हैं कि अगर मैंने सभी प्रेशियस और वैल्यूएबल गिफ्ट मैन को दे दिए तो जो मैन है वो सिर्फ वो गिफ्ट से प्यार करेगा, मतलब उसे सिर्फ वो गिफ्ट प्यारे होंगे और वो गिफ्ट को ही वर्शिप करेगा. बट जो मैंने दूसरी चीज़ें क्रिएट किए नेचर में वो उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, उसे उसकी कुछ पड़ी ही नहीं रहेगी. दस बोथ गॉड एंड मैन वुड फाइनली लूज ईच अदर. तो अगर ऐसा हुआ तो जो गॉड है और मैन है वो एक दूसरे को ईजिली खो सकते हैं, दे वुड लूज ईच अदर, ऐसा गॉड का मानना था. येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस. लेट हिम बी रिच एंड वियरी दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लेट हिम नॉट येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. सो हियर द पोएट सेज दैट गॉड लेट मैन रिटेन ऑल अदर गिफ्ट्स बट टुगेदर विद देम ही लेट मैन रेस्टलेस एंड कंटिन्यूअली एंशियस एंड डिससेटिस्फाइड. तो यहाँ पे गॉड ने मैन को बहुत सारे गिफ्ट्स तो दे दिए बट फिर भी उन्होंने मैन को एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया है कि वे बहुत ही रेस्टलेस है, जो भी मैन है वो बहुत ही रेस्टलेस है और वो डिससेटिस्फाइड है, मतलब ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, उसे और चाहिए. ही थॉट दैट मैन शुड बी रिच विद द अबंडेंस ऑफ गिफ्ट्स बट ही शुड ऑलवेज रिमेन टायर्ड एंड रेस्टलेस. तो गॉड का क्या मानना है कि मैन है वो हमेशा रिच चाहिए, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स भी चाहिए बट वो हमेशा टायर्ड रहने चाहिए और रेस्टलेस भी, मतलब हमेशा बेचैन रहने चाहिए. ओके मतलब ही शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ही शुड ऑलवेज वॉन्ट मोर एंड मोर, ऐसे गॉड का कहना है. गॉड रीजन्ड दैट ओनली देन एट लास्ट इफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस डिड नॉट लीड मैन बैक टू गॉड शियर फटीग वुड ड्रिव मैन बैक टू गॉड्स हार्ट. तो यहाँ गॉड का क्या कहना है, उन्होंने क्या रीजन दिया है कि मैन के गुडनेस से वो गॉड के पास फिर से नहीं आ रहे, बट मैन इज एक्चुअली टायर्ड, उनका जो शेयर फटीग है वो मजबूर कर रहा है मैन को गॉड की तरफ आने के लिए. ओके बिकॉज आप सबको पता है कि मैन कितना लालची होता है, उस थोड़े से कुछ भी नहीं होता उसका, उसे हमेशा ज़्यादा ही चाहिए होता है. तो गॉड ने भी यही कहा है. सो वॉट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस पोएम? दिस वॉज अ मेटाफिजिकल पोएम, एक स्पिरिचुअल पोएम था और पोएम के नाम से ही पता चलता है, पोएम का नाम ही द पुली है, मतलब गॉड ह्यूमन बींग को खुद की ओर कैसे पुल करते हैं ये इस पोएम में बताया है. अलग अलग वेज है जो गॉड ने यूज़ किए मैन को खुद की ओर पुल करने के लिए. ओके तो जॉर्ज हर्बर्ट हमें यही सब वेज इस पोएम में बता रहे हैं. सो वील स्टार्ट विद द वोकेबलरी नाउ. फर्स्ट क्या है? रिचेज. रिचेज आर वेल्थ और वैल्यूएबल्स, जिनके पास बहुत ही पैसा होता है, धन होता है. डिस्पर्स्ड. डिस्पर्स्ड आर स्कैटर्ड, मतलब बिखर जाना. कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट आर कलेक्ट टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठा करना. स्पैन. स्पैन इज अ स्मॉल स्पेस, मतलब छोटा सा स्पेस. परसीविंग इज नोटिसिंग और बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ को नोटिस करना. बेस्ट ऑन इज गिव एज अ गिफ्ट टू, मतलब किसी भी आदमी को गिफ्ट देना उसे बेस्ट ऑन कहते हैं. ज्वेल. ज्वेल इज अ प्रेशियस वैल्यूएबल थिंग और कंटेंटमेंट, मतलब बहुत ही प्रेशियस थिंग, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड
अडोर, अडोर इज लव वेरी मच, तो किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा प्यार करना उसे अडोर कहते हैं। रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस इज कंटिन्यूस एंजाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन, मतलब एक बेचैनी होती है ना, डिससेटिस्फैक्शन होता है, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, उसे रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस कहते हैं। वियरी इज वेरी टायर्ड, बहुत ही थकना। टॉस इज ब्रिंग और थ्रो क्लोज, मतलब कोई भी चीज़ लाना, उसे टॉस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? द टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुली। हु इज द पोएट? द पोएट इज जॉर्ज हर्बर्ट। What is the central idea? Theme क्या है poem का? The central idea of the poem is the reason why man is continually restless all his life. तो यहाँ पे poet ने क्या बताया हमें कि इतना सब होने के बावजूद man restless क्यों है अपने life में, मतलब इतना बेचैन क्यों है? According to the poet, this is because God withheld the quality of rest from man. तो poet के अनुसार क्या है? God ने जो rest का quality है वो withheld किया है man से, so that man's thoughts would ultimately turn towards God. क्यों ऐसे किया? Because God हमेशा man को provoke करना चाहते हैं, attract करना चाहते हैं खुद की ओर. Why? Because he is the creator. Because God ने ही create किया है man को, इसलिए God को भी थोड़ा attention चाहिए. Rhyme scheme क्या है poem की? ABAB है. Figures of speech क्या use किया है? Metaphor. Special features क्या है poem के? This is a poem with a message, and the message is that however rich we may be or whatever the abundance of qualities we may have, we must always turn our thoughts to God and thank him for the many blessings he had bestowed on us. तो यहाँ पे poet यही कहते हैं कि ये जो poem है ये बहुत ही strong message देता है man को, and ये message क्या है? That future में man कितना भी rich हो या उसके पास कितने भी अच्छे qualities हो, बट वो कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ही शुड ऑलवेज टर्न टू गॉड, एंड वो भगवान का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, बिकॉज गॉड ने हमें इतने ब्लेसिंग्स दिए हैं। फेवरेट लाइन क्या है पोएम की? माई फेवरेट लाइन इज लेट हिम बी रिच एंड वेरी। आप अपनी खुद की भी लिख सकते हो। वाई आई लाइक दिस पोएम, मुझे ये पोएम पसंद क्यों है? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इट टीचेस मी नॉट टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड, बट टू ऑलवेज रिमेंबर एंड थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ही हैज़ बेस्टाउड ऑन मी। तो मुझे ये पोएम इसलिए पसंद है बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं, दैट नॉट टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब मैं खुद से कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, एंड आई शुड रिमेंबर कि गॉड ने हमारे लिए इतना अच्छा किया है, इतने ब्लेसिंग्स दिए, तो आई शुड नेवर फॉरगेट दैट। नेक्स्ट पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब चार ऑप्शंस दिए हैं आपको और उसमें से जो करेक्ट है वो ब्लैंक पे डालना है। हर्बर्ट्स पोएम द पुली डिस्प्लेज, व्हाट डज इट डिस्प्ले? ओरिजिन एंड मोरालिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी एज टू मेन थीम्स, यही दो मेन थीम्स है। द समरी ऑफ द पोएम द पुली इज, क्या समरी है पोएम की? फोर्थ और फिफ्थ आएगा ये, टू रिमाइंड मैन अबाउट क्रिएटर इन हिज एग्जॉशन, एंड फिफ्थ क्या? गॉड पुल्ड मैन टूवर्ड्स हिम बाय मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड वियरी। ओके, इन दिस पोएम द पुली इज कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करते हैं पुली को? अ गिफ्ट टू मैनकाइंड। ऑप्शन टू, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम द पोएम, तो कौन सा एग्जाम्पल है पन का? पन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखो। तो फर्स्ट आएगा रेस्ट इन द बॉटम ले, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स फ्रॉम द पोएम, तो पैराडॉक्स क्या है? ऑप्शन थ्री आएगा लेट हिम बी रिच एंड वियरी, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंडी कोट फ्रॉम द पोएम, तो क्या आएगा? ऑप्शन फोर मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, तो क्या आएगा? ऑप्शन थ्री आएगा बिकॉज लेटर आर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम, तो इन्वर्जन कौन सा है यहाँ पे? सो बोथ शुड लूजर्स बी। देन राइम स्कीम ऑफ द पोएम, राइम स्कीम क्या है? ए बी ए, ए बी ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग questions. What did God's glass of blessings contain? तो जो गॉड के पास ग्लास था blessings का, उसमें क्या है? God's glass of blessings contained gifts such as strength, beauty, wisdom, honor, pleasure, other treasures and the gift of rest. तो क्या क्या है उसमें? स्ट्रेंथ है मैन के लिए, देन ब्यूटी है, खूबसूरती है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, ऑनर है मतलब रिस्पेक्ट है, प्लेजर है बहुत सारी खुशी है, और ट्रेजर्स है, ट्रेजर्स मतलब खजाने है, एंड सबसे
मेन क्या है? रेस्ट है. राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. राइमिंग वर्ड्स क्या है? मैन कैन स्पेन, देन बाय लाय, वेस्ट है ले, प्लेजर ट्रेजर, ही मी बी, रेस्ट ब्रेस्ट, रेस्टलेसनेस, वियरीनेस. देन थर्ड क्वेश्चन, वॉट डज गॉड वॉन्ट इन रिटर्न फ्रॉम द मैन फॉर द गिफ्ट्स ही हैज बेस्टाउड ऑन हिम. तो गॉड इन रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैन से? इन रिटर्न फॉर द गिफ्ट्स ही हैज बेस्टाउड ऑन मैन, गॉड वॉन्ट्स हिम टू लीड अ लाइफ ऑफ गुडनेस एंड टू कीप ऑन अडोरिंग गॉड हु हैज बीन सो जेनरस टू हिम. सो गॉड के कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. वो क्या चाहते हैं? कि मैन हमेशा एक अच्छी लाइफ जिए और मैन हमेशा गॉड को अडोर करे, मतलब गॉड की रिस्पेक्ट करे. क्यों? बिकॉज गॉड ऑलरेडी इतने जेनरस हो चुके हैं मैन पे और इतने सारे प्रेशियस गिफ्ट्स भी दे चुके हैं. सो इसलिए गॉड वॉन्ट्स मैन टू अडोर हिम एंड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम. वाई डिड गॉड विथहोल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन? तो गॉड ने जो गिफ्ट ऑफ रेस्ट है वो विथहोल्ड क्यों किया मैन से? गॉड विथहेल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन बिकॉज ऑफ द स्पेशल नेचर दैट द गिफ्ट ऑफ रेस्ट हैज़. तो गॉड का क्या मानना है कि गिफ्ट ऑफ रेस्ट में एक बहुत ही स्पेशल नेचर है, उसकी एक अलग खूबी है. रेस्ट मेक्स अस फील सैटिस्फाइड एंड कंटेंटेड. अगर किसी भी मैन को रेस्ट मिले तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड ही इज़ कंटेंटेड. ऐसे गॉड का मानना है. वेन वी हैव रेस्ट वी डू नॉट डिज़ायर एनीथिंग मोर. यदि आपको रेस्ट मिले तो आप कुछ और डिज़ायर नहीं करते. वी माइट इवन स्टॉप वॉन्टिंग टू नो मोर अबाउट गॉड आर क्रिएटर एज वेल एज सीकिंग हिज ब्लेसिंग्स. अगर आपको रेस्ट मिले तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गॉड के बारे में सोचना ही बंद करें, जो कि हम लोगों का क्रिएटर है, जिसने हमें क्रिएट किया है, और उनके जो ब्लेसिंग्स है वो भी लेना बंद करें. ऐसा गॉड का मानना था. वॉट वुड द ह्यूमन बींग डू इफ गॉड गिफ्टेड हिम विथ रेस्ट? तो यहाँ पे क्या पूछा है? यदि गॉड ने ह्यूमन बींग को रेस्ट गिफ्ट किया होता तो ह्यूमन बींग क्या करते? इफ गॉड हैड गिफ्टेड द ह्यूमन बींग विथ रेस्ट, दे वुड नेवर हैव केयर टू रिमेंबर गॉड, सिंस दे वुड हैव नथिंग टू लॉन्ग फॉर और टू फील रेस्टलेस अबाउट. तो यहाँ पे क्या कहा है कि यदि गॉड ने ह्यूमन बींग को रेस्ट गिफ्ट किया होता तो ह्यूमन बींग गॉड की केयर ही नहीं करते और वो हमेशा रेस्टलेस होते, मतलब बेचैन होते. दिस इज बिकॉज सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट वुड हैव मेड द ह्यूमन बींग फील कम्प्लीट एंड कंटेंटेड. तो ये सब क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बींग सेल्फ सेटिस्फाइड रहते और कंटेंटेड रहते, मतलब संतुष्ट रहते, और यही क्वालिटी ह्यूमन बींग को कम्प्लीट बना चुकी होती. एंड माइट इवन प्रॉम्प्ट देम टू थिंक दैट दे देमसेल्व्स वर गॉड. और यही सब क्वालिटीज़ के वजह से उन्हें तुरंत ऐसे लगता कि वो ही गॉड है, हमें गॉड की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. व्हेन डज मैन जनरली टर्न टू गॉड? गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर. तो यहाँ पे क्या पूछे? हम भगवान को कभी याद करते हैं और एक एग्जांपल देना है. मैन जनरली टर्न्स टू गॉड व्हेन ही इज ट्रबल्ड और इज फेसिंग सम डिफिकल्टी. तो ये बट ऑब्वियस है, मैन कभी याद करते हैं भगवान को जब भी वो किसी मुसीबत में हो या किसी भी डिफिकल्टी में हो. आई रिमेंबर अ नेबर ऑफ माइन हु प्रोफेस्ड टू बी एन एथियस्ट, बट व्हेन देयर वाज अ स्टॉक मार्केट क्रैश वी वर ऑल सरप्राइज टू सी हिम एट अ टेम्पल विथ हैंड जॉइंट्स एंड आईज क्लोज प्रेइंग टू गॉड. तो इधर क्या बोला है कि मेरा एक नेबर है वो एथियस्ट है. ओके, एथियस्ट मतलब नास्तिक है. और जब भी स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ था, मतलब मार्केट गिर गया था, तब भी वही आदमी टेंपल में था, मतलब मंदिरों में था. उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और वो प्रे कर रहा था गॉड को अपने सेफ्टी के लिए, मतलब वो डिफिकल्टी में था इन शॉर्ट. तो समझ रहे ना क्या? जब भी कोई भी मैन डिफिकल्टी में होता है, बहुत बड़ी मुसीबत में होता है, तभी वो भगवान को याद करता है. ये एक प्राइम एग्जाम्पल है उसका. फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, बिसाइड्स दोज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट वॉट अदर गिफ्ट हैज गॉड ब्लेस्ड मैनकाइंड. तो पोयम में जो दिया है उसके अलावा और ऐसे क्या गिफ्ट्स है जो गॉड ने मैनकाइंड को दिए है? बिसाइड्स दोज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट गॉड हैज ब्लेस्ड मैनकाइंड विद एन अबंडेंस ऑफ क्रिएशंस ऑफ नेचर सच एज ट्रीज द बर्ड्स एनिमल्स द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो जो पोयम में दिया है उसके अलावा मैन ने बहुत सारे क्रिएशंस किए, अबंडेंस मतलब प्लेंटी, और
नेचर के क्रिएशंस किए, जैसे कि ट्रीज है, फिर बर्ड्स है, देन एनिमल्स है, देन फ्रूट्स है, एंड फाइनली क्या फ्लावर्स है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. वील मीट ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.